डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहें। बच्चों, आज हम दसवीं के गणित का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इस चैप्टर में हम लोग जो हमारी, जैसा कि नाम बता रहा है, पेयर, दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, रैखिक समीकरण होंगे दो, हम उनको हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी दोहराई के साथ ताकि आपके कंसेप्ट्स दोबारा क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम जानकारी यह प्राप्त कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। आपके सामने एक समीकरण आ रहा है, अगर आप इसको देखेंगे, 2x जमा 3y बराबर है 7। जैसा कि आपको पता है, पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था, ये जो गणित में अंक लिखे जाते, अंकों के साथ जो अंग्रेजी के अल्फाबेट लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर x और y है, इन्हें हम लोग वेरिएबल या अथवा चर बोलते हैं। और जैसे x के साथ 2 गुना हो रहा है, y के साथ 3 गुना हो रहा है, तो 2 और 3 आपके x और y के गुणांक हैं, और जो आपका लास्ट में 7 है, बराबर 7 है, वो आपका अचर पद है। क्योंकि इसमें बराबर के चिन्ह का उपयोग किया गया है, इसलिए यह एक समीकरण या इक्वेशन है। तो इस तरह से ये जो 2x जमा 3y बराबर 7 है, ये हमारा एक उदाहरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए, अब इसके बाद इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसे कहते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, वो होता है ax जमा by जमा 7। जहाँ ध्यान रखेंगे इस बात का, यहाँ पर क्योंकि हमने सारे ही अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया है, ax जमा by जमा बराबर है c, ax जमा by बराबर है c, यहाँ पर हमने सारे इंग्लिश के अक्षरों का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे चर हैं वो आएंगे x और y, a, b और c, a भी गुणांक है और c आपका अचर पद है। ये तो थी एक इक्वेशन। अब बात करते हैं पेयर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। युग्म या पेयर मीन्स जहाँ पर जोड़ा, जहाँ पर दो इक्वेशन इकट्ठी आ जाएं, उसे पेयर बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, 2x जमा 3y बराबर है 7, इसी के साथ अगर दूसरी इक्वेशन भी साथ ही लिखी जाए, जैसे 3x माइनस 2y बराबर है माइनस 8, तो ये जोड़ा बन गया। तो इस तरह से इन दो इक्वेशन जब इकट्ठी आती हैं तो इनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अब आती है इसी तरह से इनका मानक रूप। तो मानक रूप इनका कैसे लिखा जाएगा, मानक रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण के जो राइट हैंड साइड पे दाईं तरफ आपके अक्षर हैं या अंक हैं, उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। जैसे आपकी पहली इक्वेशन है 2x जमा 3y बराबर है 7, 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x जमा 3y माइनस 7 बराबर है 0। फिर आपकी जो दूसरी इक्वेशन है, आपकी 3x माइनस 2y बराबर है माइनस 1, माइनस 1 को दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर है 0। जब बराबर है 0 आ जाता है एक तरफ, समीकरण के एक तरफ 0 आ गया, तो ये हमारा अब एक तरह से हम मानक रूप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो मानक रूप होगा समीकरण युग्म का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। ध्यान देंगे यहाँ पर a1 और a2 x के गुणांक हैं, b1 b2
वाई के गुणांक हैं, सी वन सी टू अचर पद हैं। एक बात का आपने ध्यान रखना, यहाँ पर साइंस का बहुत महत्व होता है। जैसे ही अब हम आगे प्रश्न करेंगे तो साइन साइन के ऊपर आपने बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये तो थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म या मानक रूप। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी और जरा पीछे नाइन्थ की तरफ चलते हैं। नाइन्थ में आपने जब रैखिक समीकरणों को ग्राफ के ग्राफ बनाए थे तो आपने देखा था कि एक रैखिक समीकरण जो है वो एक रेखा को बताता है। अ लीनियर इक्वेशन जो है वो डिनोट करती है वन लाइन को। अब जब पेयर हो जाएगा, जब दो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएंगे तो वो दो लाइनों को। अगर अब आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाएं या थोड़ा सा सोचें तो आप पाएंगे कि जो वो दो लाइनें हैं वो कितनी तरह से हो सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक हो सकती है या दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करें, इंटरसेक्ट करें, या इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों, पैरेलल हों, यानी आपस में कभी ना मिले, उन्हें बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। या तीसरी स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, वो क्या होती है, या जो दोनों रेखाएं हैं वो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर हो, इस तरह की रेखाओं को बोला जाता है को इंसिडेंट लाइन्स या संपाती रेखाएं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो हमने इनका मानक रूप किया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, क्या हम इस मानक रूप के उपयोग से रेखाओं के बारे में बिना उन्हें ड्रॉ किए, बिना लगाए, क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो रेखाएं कैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी भी समीकरण युग्म में आपको ए वन बी वन सी वन का पता लगाना है, फिर ए टू बी टू और सी टू का पता लगाना है, फिर उनकी तुलना करनी है। यू हैव टू कंपेयर द रेशियोज। किस तरह से, आपने क्या करना है, ए वन बटा ए टू ज्ञात करना है, फिर बी वन बटे बी टू ज्ञात करना है, फिर सी वन बटे सी टू ज्ञात करना है। जब ये तीनों आपने ज्ञात कर लिए तो उसके बाद जो है आप लोग, उसके बाद जो है फिर हम लोग बिना रेखाओं को ड्रॉ किए हम पता लगा सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होंगी। बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये तुलना आ रही होगी, अगर आप देखेंगे टेबल जैसा बना है, एक तरफ हम तुलना करेंगे, दूसरी तरफ उसका ग्राफीय निरूपण बताया गया है और तीसरी तरफ उसका बीजगणितीय व्याख्या दी गई है। तो जैसे पहली स्थिति हमारे पास आती है ए वन बटे ए टू नहीं बराबर है बी वन बटे बी टू, इस स्थिति में जो हमारे पास रेखाएं आती हैं वो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और उनका जो हल होता है वो केवल एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल कहते हैं। दूसरी स्थिति में हमारे पास क्या आता है, यदि तीनों ही अनुपात बराबर हो, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर है सी वन बटे सी टू के, ऐसी स्थिति में जो हमारे पास रेखाएं प्राप्त होंगी वो होंगी संपाती, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी। इस स्थिति में प्रत्येक बिंदु ही हल होता है क्योंकि दोनों रेखाओं पर, हर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं हैं, तो उस रेखा पर आने वाला हर एक बिंदु हल है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं अनंत हल या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और अब आ गई तीसरी स्थिति होती है हमारी ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू नहीं बराबर है सी वन बटे सी टू, ऐसी स्थिति में जो हमारे पास रेखाएं प्राप्त होती हैं वो रेखाएं होती हैं समानांतर रेखाएं। अब यहाँ पर एक रेखा दूसरी को कभी टच नहीं करेगी, ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो ऐसी स्थिति में यानी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू और नहीं बराबर है सी वन बटे सी टू, तो हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समानांतर रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं होता है। इसके अलावा एक प्रश्न इसी प्रश्नावली में ऐसा और आता है, उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो समीकरण युग्म है जो आपको दिया गया होगा वो संगत है या असंगत है। तो बेटा वो भी इसी से निकल जाता है,
संगत वो होती है जिनके हल होते हैं, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, यानी पहली और दूसरी स्थिति में जो आपके पास समीकरण युग्म होता है वो संगत होता है, और तीसरी स्थिति में जो समीकरण युग्म प्राप्त होंगे वो आपका उनका कोई हल नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन, और उन्हें असंगत भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ सवालों को हल करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा होगा, ये जो आपकी एक्सरसाइज है 2.3.2 उसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन है 5x-4y+8=0 और इसकी दूसरी क्वेश्चन है 7x+6y-9=0। तो आपने क्या करना है, इस प्रश्न में हमने क्या बताना है, इस प्रश्न में हमने बताना है कि ये रेखाएं कैसी हैं, क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं, क्या ये संगत हैं, क्या ये समानांतर हैं, क्या ये समपाती हैं, पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट हैं, तो ये हमने बताना है। तो कुछ नहीं करना बेटा आपने, जैसे कि आप देखा सबसे प्रथम ये बहुत ही इजी सम है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। आपने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का पता लगाना है, वो इक्वेशन से मिल जाता है। यहाँ पर A1 होगा 5, B1 होगा -4, जैसे मैंने शुरू में कहा था साइन का बहुत ध्यान रखना है, C1 होगा 8, A2 7, B2 6, C2 -9। फिर इनका अनुपात निकालेंगे, A1 बटे A2 वहाँ से आ गया 5/7, B1 बटे B2 ये आपके पास आ रहा है 5 -4/6 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/3। फिर C1/C2 ये आ रहा है 8/-9, यानी -8/9। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीनों कंपेयर नहीं करने, पहले दो कंपेयर करते हैं क्या वो बराबर हैं। हम देखते हैं कि पहला और दूसरा यानी A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, यानी 5/7 जो है वो बराबर नहीं होता किसके, -2/3 के। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति में ये जो रेखाएँ हैं प्रतिच्छेदी रेखाएँ हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, संगत हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट हैं, और इनका केवल एक ही हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक इसी प्रकार से बेटा आपके लिए एक और क्वेश्चन है, वो आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आपने संगत असंगत बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपने क्या करना है, पहले इक्वेशंस देख लेते हैं क्या क्या हैं। 2x-3y=8 और दूसरी है 4x-6y=9। यहाँ पर भी हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी 8 को उधर ले जाएंगे पहली इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा 2x-3y=8 है, ये बन जाएगी 2x-3y-8=0। और दूसरी इक्वेशन है 4x-6y=9, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे ये बन जाएगी 4x-6y-9=0। तो यहाँ पर हम देखते हैं A1 आ गया 2, B1 आ गया -3, C1 आ गया -8, A2 आ गया 4, B2 आ गया -6, C2 आ गया -9। तो अब इनका रेशियो निकालते हैं अनुपात, A1/A2 2/4 काट के आ गया 1/2, B1/B2 -3/-6, -- कट जाएगा, 3 × 1=3, 3 × 2=6, तो ये भी आ गया 1/2, और C1/C2 -8/-9, -8 और -- कट जाएगा यहाँ पर, और आपके पास आ जाएगा 8/9। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके जो पहले दो अनुपात हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है, नहीं बराबर है C1/C2। तो यानी 1/2 बराबर है 1/2, नहीं बराबर है 8/9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारी तीसरी स्थिति है। इस स्थिति क्या कहती है कि ये रेखाएं कैसी हैं, समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, और इसलिए असंगत, इनकंसिस्टेंट। तो बेटा ये था आपकी 3.2 एक्सरसाइज का एक वीडियो। इस वीडियो में हमने रेशियो के कंपैरिजन से सीखा कि हम लोग लाइंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो लाइंस कैसी हैं। तीन तरह की लाइंस मैंने बताई, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, प्रतिच्छेदी, समानांतर और समपाती। तो हम रेशियोज को कंपेयर करके बता सकते हैं, फिर समीकरण युग्म को बता सकते हैं कि संगत है ये असंगत है। उम्मीद करता हूँ आपने ये बहुत ही अच्छे से सीखा होगा।
और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।